बढ़िया सर। वहां ना जाओ थोड़ा इधर उधर नहीं गए करना बुद्धि से जा रहे हैं। और Thank you.
ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ मैं आपको पता क्या कहूँगा बात तो वही की जाएंगे आप जाएगी मेरे फोन से राहुल भाई की जय। मैंने पहले राम राम करी आपने एक्सेप्ट नहीं करी हमारी दान नहीं दिया सॉरी यार सॉरी भाई एकदम क्या पंगा है आज इनका है क्या पंगा करेंगे आज इनका लठ खेल लेंगे हाँ करनाल ओ उधर करनाल जा रहे हैं ना ये हाँ हाँ लठ खेल लेंगे हाँ मैं किसान तो निकल दिया पहले तो गोली चले गए गोली तो गाड़ियां सारी गोली वो बैल क्या ना थी नहीं गोली हुई औरंगाबाद गए मैं बता रहा हूं आपको असली डिटेल वहां से इकट्ठे वहां से ना ना इकट्ठे तो यहीं करना था प्रोटेस्ट यहां फोर्स देखी ज्यादा जा रहे बच्चे हाँ बात कर लेते हैं किसी नहीं भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद चौधरी कंवर पाल जिंदाबाद चौधरी कंवर पाल जिंदाबाद निश्चल चौधरी जिंदाबाद Thank you.
कवर चौधरी कंवर पाल भारतीय जनता पार्टी इतना तोड़ी तोड़ी निपटा का राहुल आगे कर लेंगे वहां बड़े भाई देख लियो बारे किसान सारे यही है Yeah.
है कि भाई सब अपनी बात कहो, उनको भी अधिकार है वो भी अपनी बात कहें, अगर उनको कुछ कानून में कमी लगती है ना जी तो वो भी अपनी बात कहें और हम भी अपनी समझाने की बात कहेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई कानून ठीक है उससे ये ही तय, और अगर उनको कोई गलत लगता है वो भी अपनी बात कहो, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने माहौल बना रखा वो अच्छी बात नहीं है कि जिस प्रकार से हर जगह मान लो झगड़ा करने का है, और अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाईचारा खत्म कर रहे हैं। अब ये भाईचारा तब तक रहेगा जब तक उनकी बात मानोगे, ये भाईचारा तब तक रहेगा जब तक उनके पीछे चलोगे, ये भाईचारा तब तक ही रहेगा जब तक आप किसी की बात नहीं सुनोगे। जैसे ही आप किसी की बात सुनोगे या तो उनसे सवाल करोगे तो भाईचारा खत्म, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे भाईचारा खत्म, आप किसी और की बात सुनोगे तो भाईचारा खत्म। तो ये कैसा भाईचारा है? जो भाईचारा नहीं तो गुलामी। अब ये सारे के सारे जो से लोग हैं ये ऐसे लोग हैं, अब देखो प्रजातंत्र में ना जी एक लोग फैसला करते हैं कि कानून कौन बनावा। आपने पार्लियामेंट का सदस्य चुना, उसने कहा कि जब हमारा कानून बनाइयो भाई, तो आपने चुनका भेज दिया। अब दूसरे ने कह रहे कि कानून बनाने का राइट इन दे दो, तो जिसकी 1% वोट पड़ी हो, जिसकी 2% वोट पड़ी हो, अब वो कहा कानून बनाने का राइट उसने दो। अब चुड़ूनी ने कितनी वोटा पड़ी थी? 2.5 या 3%। 97% लोगों ने था कि यो नहीं वो बना सकता। डकैत की कितनी वोटा पड़ी थी? लगभग लोग कहें कि 5%। तो 95 दी खिलाफ वो कहे कानून बनाने का राइट मुझा दो, चुड़ूनी कहे कानून बनाने का राइट मुझा दो, पंजाब वाले कह रहे कानून बनाने का राइट मुझा दो, गांव के लोग मेंबर नहीं बना रहे, सरपंच नहीं बना रहे, पर ने कहा कि पार्लियामेंट वाला काम हमारे जुम्मा लगाओ, हम करेंगे। तो लोगों ने फैसला कर रखा भाई कानून को बनाओ, उन्हें कानून बना दिया, और अगर उस कानून में कहीं खामी दिख रही तो आएगा बताओ भाई यह खामी है कानून में, यह ठीक करो बताओ, इसका ठीक हो सका। पर ने कहा नहीं, इन्हें सारे के सारे कानून रद्द करो। तो इनके पास किसने दिया राइट? देश की जनता चुनाव करती है, चुनाव करने के बाद वह राइट देती है कि ये लोग हमारे प्रतिनिधि हैं। अब पंचायत का चुनाव लग रहा है और देश में 70% किसान है, तो मेरा इन किसान यूनियन वालों से कहना है कि जो इनके नेता है सरपंची का इलेक्शन लड़ते हो पता चल जाएगा, सरपंची में ही चल जाएगा पता कितने किसान साथ हैं इनके। अगली की तो बात ही छोड़ दो, जोड़ सा चुड़ी तरह तो नेता बन रहा 70% किसानों में, तो उसकी अपनी कितनी पड़ी थी? तो ये तो संविधान है, ये तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे, संविधान का उल्लंघन कर रहे, ने संविधान को नहीं मानते, ने अपना ही संविधान चलाना चाहे। तो देश में एक संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुसार शासन चला, वही एक सिस्टम है। और मैं समझता हूं कि तीनों कानून जो है बहुत लंबे, उसके बाद जब चौधरी चरण सिंह थे उससे पहले जो भी और नेता थे, चाहे फिर महेंद्र सिंह टकैत थे, सबकी डिमांड यही थी ये होना चाहिए। उसके बाद 19 साल के प्रयास के बाद ये कानून आज अपनी शक्ल में आए। 19 साल है चलते, 2001 में शुरू हुआ था इनके ऊपर मंथन, 2001 में शुरू हुआ। उसके बाद सेंट्री कमेटियां बनी, उन्होंने फाइनल कराया, सेंटर के बाद स्टेट के पास आए, स्टेटों ने पास करे और उसमें सारी कमेटियां बनी, यहां तक के हुड्डा साहब भी इस कमेटी में रहे हैं, उन्होंने भी कहा गया होना चाहिए। तो सारे सुधार इन सब लोगों ने कहे थे होने चाहिए, तब ये सुधार हुए। पर उस सुधार होने के बावजूद भी अगर इन्हें लगा कि कोई दिक्कत है तो अपने तर्क दो, तो कोई तर्क तो है नहीं, लेकिन एक ही बात है कि बर्बाद कर दें किसान ने, लोगों ने पकाने का काम करें। और जब हम बात जो ने पकाने कर रहे, जब हम लोगों ने समझाने की बात करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो उस टाइम फिर ये आपने अभी रस्ते में मिलेंगे, देखियो वहां काले झंडे लियो खड़े और खड़े। मैं तो अभी सोच रहा था कि भाई है तो अपने भाई ने भी, तो मैं झंडे झुंडो कपड़ा नहीं पकम पड़ रहा हम दे देंगे थोड़ा बहुत। सर इन्होंने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल करनाल में नहीं होने दिया जाएगा और विरोध भी करेंगे इस चीज का। मैं यही तो बात कह रहा ने कह रहे दूसरे ने बोलने देने के, तो बोलने देने के इसका मतलब इनमें कमी है ना जी, इनमें कमी है जब तो नहीं बोलने देते ने। अगर ये सही होते बोलने दिया था, ये अपनी बात कहो हम अपनी बात कहेंगे, नहीं कहेंगे इनकी बात गलत है तो अपने आप गलत रहे तो लोग फैसला कर देंगे ना जी। अब लोग ऐसे तो नहीं है उन्हें पता नहीं है इस बात का। तो अगर ये बात कह रहे कि हम नहीं होने देते प्रोग्राम, अगर ये कह रहे कि हम कहीं प्रोग्राम होने देने के हम उसका विरोध करेंगे, इसका मतलब स्पष्ट है कि इनके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए ये बात कह रहे। सर सिंह चौटाला ने कहा कि 26 तारीख तक अगर सरकार फैसला नहीं करती तो 27 तारीख को मैं इस्तीफा दे दूं। सोच चाह रही क्या मेरे ख्याल एक ही जना रह रहा, चारा भी नहीं इस्तीफे दे, अब जी भी लगता वहां अकेला आदमी है
वो ज्यादा सूटेबल रहेगा मेरे हाल का। सर जिस तरह से ऐलान किया 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करेंगे, ट्रैक्टर परेड सही रहेगा क्या? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है ना। 26 जनवरी बीजेपी की नहीं है, 26 जनवरी हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के गौरव की बात है। अगर उसको कोई डिस्टर्ब करा तो जो बात मैं कह रहा वो बिल्कुल वही है कि इसके पीछा सारा का सारा कम्युनिस्टों का हाथ है, उन्होंने ही सारा का सारा कर रखा। उन्हें हमारे गौरव में कहीं गौरव नहीं देता। 1962 की बात पता करके देख लियो, जब लड़ाई थी ना तो उन्हें कम्युनिस्ट जो कहे थे कि क्रांति भारत तो आई गई, अंदर तम कर दो है। आज भी किसी कम्युनिस्ट से पूछियो जो भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा ना, तो मैं आज भी यही कहें कि वो ठीक कर रखा चाइना ने कब्जा। आज भी मैं चाइना के पक्ष में, हमारे पक्ष में नहीं है। तो आज भी अगर पूरी दुनिया की इंडस्ट्री हिंदुस्तान मान लग रही थी ना, आज कोरोना के बाद पूरी दुनिया का जो उद्योग था वो भारत की तरफ है रहता, और इसीलिए उन्होंने इन लोगों को इस प्रकार का दे दिया। और इन लोगों ने पकाने का काम किया कि सीधे साधे किसान को पकाने के थारा खिलाफ कर देगा काम, ये कर देगा। तो वो किसान रूपी जो भला आदमी था इन्होंने आगे खड़ा कर दिया अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए, और राजनीतिक पार्टी ने अपने स्वार्थों के लिए लगी। तो वास्तविकता में इसके पीछे वही लोग हैं। आज कितनी संख्या में सर यहाँ से करनाल जा रहे हैं? तो आपके सामने कितनी संख्या होगी, थारे सामने देख लो कितनी संख्या, हजारों की संख्या में आदमी दे रहे हैं। आज बीजेपी की रैली को रोके गया करनाल जाने से लिए? बिल्कुल, ये अकेले यमुनानगर में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में आज जो खट्टर का प्रोग्राम है कैमला में, उसको बिल्कुल किसी भी सूरत में होने दिया गया। इसी तरह आज अगर पुलिस ना आया होती, और सबसे बड़ी बात देखिए प्रशासन ने हमारे लिए जेंट्स जो हम सारे लोग हैं, एक भी लेडीज हमारे बीच नहीं है, लेडीज पुलिस को आगे कर रखा है हमें रोकने के लिए कि कहीं ना कहीं कोई घटना घटे और इनको बदनाम किया जाए। हम चाहते थे कि जो हमारी जेंट्स पुलिस है वो आगे आए, वो रोक के इन्होंने महिला पुलिस को आगे कर रखा था, वो महिला पुलिस हमारे आगे लगाई हुई है, जिसके कारण हमें बहुत अपना एहतियात बरतनी पड़ रही थी, और यहाँ काले झंडे दिखाकर बहुत विरोध किया। बीजेपी के जो आज कुछ मेरे को तो लगता 20-30 आ रही थी, उन्होंने झंडे अंदर रख लिए थे, कोई मूल बैठ के जा रहा था, कोई यहाँ से ज्यादा आदमी यहाँ जाने का काम नहीं कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको कोई भी जाने नहीं दिया जाएगा, लाड़ भी उनको रोकने का। ग्राम किसका था यार, किसको रोकना था? कंवरपाल जी और घनश्याम जी, बोल तो काफिला रहे थे लेकिन 10-1 कार गाड़ियां उनके पास थी, उन्होंने भी झंडे अंदर रखे हुए थे और मूल बैठ के जा रहे थे, और उसमें भी मजदूर अंदर रखे थे। आज देखिए कई दिन से हम लगातार शिक्षा मंत्री गुज्जर का हम विरोध करते हैं, कल भी हमने छिछरौली प्रोग्राम पता लगा था हमें रेस्ट हाउस में प्रोग्राम था, उनका खुलकर विरोध किया, उसने बीच में ही अपना प्रोग्राम छोड़कर भागे। जैसे जैसे प्रोग्राम करेगा वैसे वैसे इसकी मरोड काटते जाएंगे कि उसमें ज्यादा मरोड है कंवरपाल में, इसकी मरोड हम काट के दिखाएंगे। आज भी इसकी मरोड निकाल दी हमने, या तो ये कंवरपाल मान जाए, या तो ये प्रदर्शन अपना प्रोग्राम करना छोड़ दे, नहीं तो इसका अच्छे तरीके से इसके विरोध करेंगे हम, इसकी बढ़िया तरीके से मरोड निकाल देंगे। आज खट्टर की भी आज कैमला में इसके अच्छी बढ़िया तरीके से आज इसकी मरोड निकालेंगे। तो क्या उसको एंट्री मिलेगी आज करनाल के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो खट्टर साहब जा रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल उसका आज बिल्कुल एक % भी उसकी रैली नहीं होगी। में जा रहा है, गांव में एंट्री किसकी मिलेगी उसकी? 1% गांव के खिलाफ है, 1% भी उसको एंट्री नहीं मिलेगी, उसका तो कपड़े पटेंगे आज। जो भी मंत्री लोग गए हैं ना, आज अपने कपड़ों में नहीं आएंगे, आज फटे कपड़े में अपने गाड़ी में बैठेंगे। आज बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा किसानों का।